नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली वक्फ मस्जिद खान अली खान में कुछ दबंगों की दबंगई से विवाद गहराता जा रहा है। इलाके के दबंगों से परेशान होकर मस्जिद के इमाम और नमाजियों ने दबंगों की फोटो हाथों में लेकर अलविदा जुमे की नमाज के बाद विरोध जताया और प्रदेश सरकार से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि लखनऊ के हुसैनगंज स्थित सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अधीन आने वाली मस्जिद खान अली खान के इमाम और नमाजियों का आरोप है कि क्षेत्र के दबंग हसन अली अलवी, आफाक हसन अलवी और दावर हसन अलवी आए दिन मस्जिद के प्रबंधन में हस्तक्षेप करते हैं और मस्जिद में आने वाले चंदे को जबरन वसूलने का प्रयास करते हैं। इस पूरे मामले में मोहम्मद अबू सालेह का कहना है, ये मस्जिद ऐतिहासिक और 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। हमारी प्रबंधन कमेटी की ओर से मस्जिद में बैनर लगा दिया गया है कि मस्जिद में चंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलाके के दबंग मनमानी करने पर उतारू हैं। का सदर हूँ, मेरा नाम सैयद इरशाद अली है और ये मस्जिद बहुत पुरानी है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसको 2021 में मेरे को वक्फ बोर्ड ने यहाँ का सदर बनाया है और जब से मैं यहाँ का जो है देखभाल कर रहा हूँ और मस्जिद में जो है जो अलवी हैं हसन अलवी वो बवाल करते हैं, वो 20 साल से चंदा वसूल रहे थे, जो कि हमने चंदा वसूलने के लिए यहाँ पे ऐलान किया कि मस्जिद में वो चंदा जो है वो लगाया नहीं जा रहा है और ये सब पैसा खाए जा रहे हैं। उसके लिए मैंने जो है एक बैनर लगवाया कि मस्जिद में चंदा देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, मस्जिद में मेरे पास पैसा है, मैं उससे पैसे से काम कराऊँगा, जो कि मैं मस्जिद में काम भी करा रहा हूँ। और ये जो है ये इस पर मैंने जो वो बैनर लगवाया वो इनके लड़के ने उसको फाड़ दिया और फाड़ के जो है वो हटा दिया। उसके बाद रात में हमारा बेटा जो है और ये लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तरावी की नमाज जैसे ही ख़त्म हुई इनका लड़का वो जो है दावर वो बहुत से लड़कों को लेके और मेरे लड़के को घसीट के बाहर निकाल के लेके गया और मारना शुरू कर दिया। विवाद क्या है, कुछ लोग हैं जो इस विवाद को ख़त्म करना नहीं चाहते और ये चोरियाँ जो हुई हैं कि एक चाबी तो मेरे पास रहती है, एक चाबी उन्हें भी अलवी साहब को मुन्ना जी को दी गई थी, डॉक्टर साहब के परमिशन से दी गई थी कि नमाज में आने में दिक्कत होती, ये तो उसी में बैटरा गायब हुआ, एम्पलीफायर गायब हुआ, ये है। और हर इंसान को चाहिए कि मस्जिद में इबादत की जगह है, यहाँ कोई बदतमीजियाँ ना हो, यहाँ किसी किस्म की कोई बात ना हो, यहाँ सिर्फ इबादत हो, इबादत मस्जिद इबादत की जगह है, कोई बदतमीजी की और किसी चीखो पुकार की ज़रूरत नहीं। क्या जो जिस चीज़ के लिए कहा जा रहा है वो 2.5 लाख रुपया बैंक में जमा है खान अली खान मस्जिद के नाम से, उसी के नाम से खाता खुला, वो जाके कोई भी देख ले, कोई भी चेक कर ले, हमने यहाँ के इंस्पेक्टर को भी बता दिया था ये खाता आप जाके देख लीजिए, उनका ठीक जमा है सही है, अब वो कहते हैं नहीं जमा है, तो उनसे पूछे आपको कहाँ से इंक्वायरी मिल गया था, कौन चार कदम पर बैंक है चलिए देख लीजिए। और जो उनके भाई के पास 10.5 लाख रुपए 3 दुकानें बिकी हुई हैं उसका पैसा आज तक के नाम नहीं लेते, 40,000 रुपए मस्जिद से और उधार लिए थे, वो नहीं 20 साल से चंदा वसूला गया उसका कोई हिसाब इन लोगों ने नहीं दिया, इन्हीं के भाइयों के पास था और दूसरे जो पीछे बनवाया उसका कोई हिसाब नहीं ना, और जो मस्जिद का अच्छा काम हो रहा उसमें इंटरफेयर कर रहा और चंदा का चंदा वसूलने को मना, यही हसन अली। आप क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि मतलब जो कमेटी करा रही उसको कराने दीजिए। अब जो कमेटी का अमरोहा में सैद नागली नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के चुनाव प्रचार में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के भरोसे जो संसद में है और विधानसभा में अपने सदस्य बढ़ाते रहो, आप उनको उसकी हत्या में भी राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं।
अतीक अहमद के भरोसे जो संसद में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाते रहे हो, जो विधानसभा में अपने विधायक की संख्या बढ़ाते रहे हो, उनको आज उनकी मौत में भी एक राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो जानबूझ करके इसको लेकर के राजनीतिक बयान कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया तंत्र का नाश होना चाहिए, माफिया तंत्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर के बहुत काम किया है। देवरिया में नगर पंचायत चुनाव के लिए सभी पार्टियों के सिंबल मिल चुके हैं। आपको बताते चले कि सिंबल राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग की तरफ से नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा समेत निर्दलीय राजनीतिक दलों ने अपने सिंबल लेकर चुनाव की तैयारियां में जुटी हुई है। वहीं देवरिया में सिंबल मिलने पर प्रत्याशियों में एक उत्साह देखने को मिला। सभी प्रत्याशी अपनी जीत मान चुके हैं। ये तैयारियां पूरी हैं और हमारे वार्ड की जनता तैयार है कमल खिलाने के लिए। वो काफ़ी आतुर भी है कि जल्दी से सिंबल आए और हम लोग जाकर 4 तारीख का इंतज़ार हमारे यहाँ की जनता कर रही है। 3 नंबर पर मेरा कमल का निशान है और जनता तैयार है वहाँ जाकर मुहर लगाने के लिए। मैं राघव नगरपुरी वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दल प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है और मुझे ज़्यादा कुछ अपने वार्ड के लिए कहना नहीं है। मेरा वार्ड बहुत पीछे चल रहा है इस टाइम। जो वर्तमान में जो सभासद रहे वो अंधकार में तो पहुँचाए दिए हमारे वार्ड को। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और तैयारी जनता के बीच में करनी है, जनता को देखना है, जनता क्या सुख दुख में मेरे साथ है कि मैं उसके साथ हूँ, ये चीज़ देखना है। वार्ड नंबर 22 देवरिया खास से लड़ रहा है। हमारा मुद्दा है कि बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, समय से वार्ड की साफ सफाई, समय से जो भी नए प्रकार की बीमारी आती है उसके लिए जो भी छिड़काव होता है वो छिड़काव कराना तथा हमारे वार्ड के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की परेशानी होती है। खबर गाजीपुर से है जहां सपा विधायक ने एक सवाल के जवाब में माफिया मुख्तार की पत्नी और माफिया अतीक की पत्नी को क्लीन चिट दे दिया। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए सपा विधायक जय किशन साहू ने कहा कि शाइस्ता परवीन अपराधी नहीं है, ना ही आफशा अंसारी अपराधी हैं। इन दोनों को मामले में घसीटा जा रहा है तो क्या कहेंगे। सपा विधायक ने कहा कि इसे राजनीति से प्रेरित नहीं कहेंगे तो क्या यज्ञ हवन से प्रेरित कहेंगे। बता दें कि जय किशन साहू गाजीपुर सदर सीट से सपा विधायक है। नहीं अपराधी शाइस्ता है, नहीं मुख्तार जी की बीबी है, मुख्तार की बीबी है, लेकिन अब इन लोगों को घसीटा जा रहा है तो अब उसको क्या राजनीति से नहीं कहेंगे तो क्या यज्ञ हवन से कहेंगे। औरैया में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। बता दें कि पूरा मामला बाइक फिसलने से हादसा हुआ है जिसमें बाइक सवार एक महिला और पुरुष बैठे थे। बाइक फिसलने के बाद दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया है। जैसा कि अभी हमारे पास 10 बजे के आसपास एक महिला माया देवी, पति का नाम रुस्तम सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष और निवासी दरवटपुर अजीत मल के थी, जो कि जैसा कि परिजन उनके साथ जो थे उन्होंने बताया कि वो लोग दिव्यापुर से जबौली मार्ग पे कहीं जा रहे थे जहां पे कि बाइक फिसली और जिससे वो गिर गई और गिर के फिर घायल हुई और यहां अस्पताल आने तक मृत अवस्था में थी। बिजनौर में आज शिया समुदाय ने हर साल की तरह इस साल भी अलविदा जुमे के दिन मिशन ए हुसैन के बैनर तले जामा मस्जिद से एक मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस अपने पारंपरिक रास्तों से होता हुआ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। मिशन ए हुसैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजाल जैदी के नेतृत्व में शिया समुदाय के कई लोग कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे जहाँ उन्होंने फिलिस्तीन की मासूम आवाम के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, साथ ही मानवाधिकार हनन और आतंकवाद का विरोध किया। मिशन ए हुसैन के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित ज्ञापन सदर एसडीएम मोहित कुमार को सौंपा गया।
फरार बिल्डर फहद याजदानी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। पुलिस ने आपराधिक इतिहास के आधार पर इस संबंध में प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। बता दें कि प्रशासन अब अपने स्तर से रिपोर्ट का संज्ञान लेकर शस्त्र लाइसेंस निरस्तरीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करेगा। इससे पहले वजीर हसन रोड स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट 24 जनवरी की शाम जमींदोज हो गया था। हादसे में सपा प्रवक्ता की पत्नी व मां समेत 3 महिलाओं की जान गई थी। पुलिस ने मामले में सपा के पूर्व मंत्री व विधायक शाहिद मंजूर, उनके बेटे नवाजुद शाहिद, भतीजे मोहम्मद तारिक बिल्डर फहद व उसके भाई सायम यासानी को आरोपी बनाया था। शाहिद मंजूर को अरेस्ट स्टे मिल गया था। तफ्तीश के दौरान पता चला कि फहद के पास एक पिस्टल व एक राइफल लाइसेंस है। पुलिस ने दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर डीएम को रिपोर्ट भेजा है। फतेहपुर में चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बे में प्रतिदिन क्षमता से अधिक ओवरलोड मोरक से लदे ट्रैक्टर फराटा भरते हुए नजर आते हैं। यमुना तटवर्ती क्षेत्र से जुड़े होने के कारण खनन माफियाओं का खेल राजस्व विभाग से लेकर क्षेत्र की पुलिस से शुरू होता है और खनन माफियाओं का खेल निरंतर चूहे बिल्ली की तरह जमकर जोरों से चलता रहता है, जिससे क्षेत्र की पुलिस खनन माफियाओं को लगाम लगाने में नतमस्तक साबित हो रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री से 10 तमंचे, 5 अर्धनिर्मित तमंचे और असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें कि गाजीपुर के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के धमराव गाँव में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। वहीं पकड़े गए बदमाशों में से एक हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल पुलिस बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। हमारी स्वैट सर्विलेंस टीम और थाना दुल्लापुर पुलिस द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया था। कल चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से अवैध तमंचे मिले थे। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो तमंचे पास के ही एक व्यक्ति से लाता था। इस सूचना पे संयुक्त रूप से हमारी दुल्लापुर पुलिस और स्वैट सर्विलेंस ने जब दबिश दी तो वहाँ की स्थिति कुछ और थी। एक घर में तमंचों का अवैध निर्माण हो रहा था, जहाँ से भारी संख्या में बने हुए तमंचे, अर्धनिर्मित बनाने का सामान, कारतूस और बहुत सी चीज़ें पकड़ी गई हैं। और ये पहले भी इस तरह की घटनाएं में ये जेल जा चुके हैं। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ट्रांसजेंडर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि बंद पड़े मकानों की रेकी किया करते थे। फिर मौका देखते ही उस घर में लगे ताले की कुंडी काटकर घर में दाखिल हो जाते और घर में रखे सभी कीमती सामान को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। इन सभी अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात, इन अपराधियों में से एक मुख्य अपराधी जिसके ऊपर दिल्ली में 118 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि कई बार जेल जा चुका है, इनके पास से लगभग 50 लाख के तकरीबन चोरी का सामान भी बरामद हुआ है, जो कि लूट में इस्तेमाल करने वाले औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। शालीमार गार्डन थाना पुलिस एवं ट्रांसजेंडर जोन की एसओजी टीम द्वारा एक बड़े चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस चोरी के गिरोह का सरगना वसीम उर्फ लंबू है, जिसके ऊपर पूर्व में 118 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो अधिकांशतः दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में चोरी से संबंधित है। इसके अलावा इस गिरोह से 2 अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हैं। कासगंज में माह रमजान अलविदा की नमाज अदा की गई। बता दें कि मस्जिद में अल्लाह की इबादत में हजारों के सर झुके। इस दौरान अमन और देश की शांति के लिए दुआ की गई। अलविदा की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।
लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे उमर की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी हुई। उमर को देवरिया जेल में व्यापारी की पिटाई के मामले में आज पेश किया गया। हालांकि सुरक्षा की वजह से उमर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न कराई गई। सुनवाई का अगली तारीख 5 मई को दी गई है। उमर को लखनऊ के कारोबारी को देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट, रंगदारी, जालसाजी के मामले में पेश किया गया। इस मामले में 7 अप्रैल को अतीक अहमद और उमर पर आरोप तय हुए थे। लखनऊ के इमामबाड़े में अलविदा की नमाज के बाद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में मौलाना कल्बे जब्बाद के नेतृत्व में शिया समुदाय के लोगों ने ये प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के बैनर पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौलाना कल्बे जब्बाद ने मुसलमानों को अमेरिका की पिट्ठूगिरी करने से मना किया। अमेरिका व इजराइल के ऊपर मुसलमानों पर जुल्म करने का मौलाना ने आरोप लगाया है। शाहजहांपुर में जिले की मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर अलविदा की नमाज को अदा किया। शासन के आदेश पर नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी। वहीं जिले के सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात की गई और मस्जिदों के अंदर नमाज को अदा किया गया। वहीं जिन रूट पर नमाज अदा की गई वहां भारी पुलिस बल वाहनों से और पैदल मार्च निकाला। वहीं एसपी ने बताया कि मस्जिदों में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बाहर से मंगाए गए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जैसा आप जानते हैं आज अलविदा की नमाज है रमजान के पाक महीने की, तो इसी सिलसिले में जितने भी यहाँ मस्जिद हैं वहाँ पे हमारी ड्यूटियाँ सुबह से ही खड़ी हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो अलविदा की नमाज़ है बिल्कुल सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। सभी अधिकारियों ने शहर का पूरा राउंड भी लिया है। हमारे साथ EDM प्रशासन साहब और SPCT साहब सब लोग साथ में गए थे और इस बात को देखा गया कि वहाँ पर्याप्त पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात है और जो बाहर से फोर्स भी मिली है उसकी भी डिप्लॉयमेंट हुई है और बिल्कुल इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जो अलविदा की नमाज है वो सकुशल संपन्न। गाजियाबाद में जायदाद के लिए पत्नी की साजिश सामने आई है। महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके उसके शव को 2 टुकड़ों में करके फेंक दिया। इस वारदात को 2 महीने पहले अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 2 महीनों के बाद हत्या की गुत्थी सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर बताया कि हत्या मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी। थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस के द्वारा काफी अच्छा गुड वर्क किया गया है जिसमें लगभग 2 महीने पुरानी गुमशुदगी का सफल अनावरण करते हुए एक हत्या की जो साजिश हुई थी और हत्या हुई थी उसका पर्दाफाश किया गया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उन अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है पता चला है उसमें काफ़ी सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इसमें जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक मृतक राजेश गर्ग की पत्नी बबीता है और दूसरा व्यक्ति अक्षय मलिक उसके घर में ही रहने वाला किराएदार है। हरदोई में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग में लगी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अपने घर में अवैध शस्त्र बना रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक को घर को घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध असलहों का प्रयोग कर नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे। आगामी नगर निकाय चुनाव जो कि जनपद में अति शीघ्र होने वाले हैं उसके दृष्टिगत पुलिस जनपदीय पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शस्त्रों के उपयोग की संभावना को देखते हुए जो नॉन शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं के अतिरिक्त भी गहन तलाशी और कार्रवाई की जा रही थी। कल भी 2 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी और आज ये थाना पचदेवरा द्वारा ये 2 कुख्यात ये बदमाश हैं जो कि इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं उनसे एक शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है जिसमें 7 बने हुए तमंचे, 13 अधबने हुए, कुछ खुखे कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने की
साधन प्राप्त हुए। हरदोई में पुलिस ने 4 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया है। कोतवाली देहात पुलिस को तहरीर देकर ई रिक्शा की बैटरी चोरी होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को चोरी करने वाले आरोपियों की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपियों की पहचान कर ली गई है। ये जनपद में वर्तमान में जो ईद का पर्व आ रहा है, साथ ही साथ चुनाव भी हैं, इसको देखते हुए अपराध एवं अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी के तहत जो पूर्व में चलाया गया था ऑपरेशन सुरंग भी पुनः जागृत किया गया है, जो कि चोर लुटेरों नकलजनों के खिलाफ है। इसी क्रम में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा और मल्लावा पुलिस द्वारा 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। 2 के पास कोतवाली देहात में ई रिक्शा से बैटरियां चुराते थे, बैटरी समेत और जो उनसे खरीदते थे उसको पकड़ा गया है। मल्लावा में विगत माह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से सामान चोरी हुआ था, उसमें आज 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए काफ़ी ज़्यादा संख्या है जो सामान चोरी हुआ था वो बरामद किया गया है। कुछ शेष है जिसकी भी शीघ्र बरामदगी कर ली जाएगी। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।